अस्सलाम वालेकुम। तो बॉयज़ कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की जगह मैं आप लोगों के लिए गाड़ी लेके आया हूँ जो कि रिसेंटली होंडा ने लॉन्च की है, जो कि होंडा सेंटा जो कि FE है। इसके अंदर दो वेरियंट है, ऑल व्हील ड्राइव है और फ्रंट व्हील ड्राइव है। जिस गाड़ी का मैं फिल वक्त रिव्यू कर रहा हूँ, ये ऑल व्हील ड्राइव है। इसके अंदर कुछ जो कि फीचर्स हैं वो फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी से थोड़े से ज़्यादा हैं। तो चलते हैं, इसका जो कि रिव्यू करता हूँ, इसके फीचर बताता हूँ और इसकी प्राइस बताऊँगा और जल्द जल्द इसकी फ्यूल एवरेज भी आपको बताता जाऊँगा। तो स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट से। तो फ्रंट लुक के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं इसकी खूबसूरती जो कि इसकी हेडलाइट्स के अंदर देख सकते हैं। ये जो आपको पार्ट मिलता है ये वैसे इंडिकेटर का मिलता है, और अगर इसी के अंदर अगर आप देखें तो ये चीज़ आपको DLLMs के अंदर इसके मिलती है। उसके अलावा अगर इसकी हाई बीम देखें तो यहाँ पर आपको हाई बीम मिल जाती है और ये इसकी लो बीम है। इसकी अगर फ्रंट ग्रिल की बात करें तो फ्रंट ग्रिल आप देख सकते हैं टोटल आपको जो कि सिल्वर की मिल जाती है। उसके अलावा जो कि ऑल व्हील ड्राइव वेरियंट है, इसके अंदर आपको फ्रंट के ऊपर यहाँ पे फ्रंट कैम का ऑप्शन भी मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं इसकी जो कि फ्रंट का डिफ्यूज़र बम्पर है, यहाँ पे आपको जो कि थोड़ी सी मैट ब्लैक के अंदर पार्ट मिलता है। उसके अलावा नीचे वाला जो पार्ट है ये आपको सिल्वर के अंदर मिलता है। फ्रंट के अंदर आप देख सकते हैं इसके जितने भी सेंसर आपको इंस्टॉल किए हुए मिल जाते हैं, और जिस तरह के ये मैंने आपको दिखाया ये ऑल व्हील ड्राइव का वेरियंट है। इसके बाद जो कि मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगा वो आपको फ्रंट व्हील ड्राइव के जो कि फीचर दिखाऊंगा। यहाँ तक जो कि ऑल व्हील ड्राइव की साइड प्रोफाइल की बात है इसके अंदर, और जो कि इसका फ्रंट व्हील ड्राइव है इसके अंदर कोई ज़्यादा चेंजिंग नहीं है। तो जहाँ तक इसके टायर की बात कर लेते हैं, इसके अलॉय व्हील्स की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं इसके अंदर आपको प्रीमियम कॉन्टैक्ट के जो थे अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं ग्रे और जो कि सिल्वर कलर में। इसके अलावा 235, 55 और 19 के आपको इसके अंदर टायर मिल जाते हैं। उसके अलावा अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो इसके टायर के ऊपर यहाँ पे आपको जो कि इसका फेंडर है, यहाँ फ्रंट सीट के ऊपर आपको जो कि टोटल जो कि प्लास्टिक कवर मिल जाता है। उसके अलावा इसके फ्रंट डोर की तरफ देख लें तो यहाँ पे आप जैसे आपको इंडिकेटर मिल जाते हैं, और जो कि इसके बैक भी मिल रहे हैं ये आपको रिट्रैक्टेबल में मिल जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पे 360 कैमरा जो कि इसके अंदर इंस्टॉल है ये देख सकते हैं इसके इंडिकेटर के अंदर यहाँ पे देख सकते हैं। उसके अलावा इसकी साइड प्रोफाइल के अंदर आप देख सकते हैं इसके डोर हैंडल की तरफ, डोर हैंडल्स के अंदर भी आप देख सकते हैं आपको टू टोन के अंदर मिलते हैं। यहाँ फिंगरप्रिंट का ऑप्शन मिल जाता है, और ऊपर वाला जो पार्ट सिल्वर का मिल जाता है, और नीचे वाला जो कि इसका बॉडी टोन का मिल जाता है। इसके अलावा अगर इसकी साइड स्ट्रिप की बात करें तो ये देख सकते हैं नीचे आपको जो कि टोटल सिल्वर कलर की जो कि इसके अंदर साइड स्ट्रिप मिल जाती है। उसके अलावा अगर इसके रेड डोर की तरफ चलें तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं आपको जो कि टू टोन के अंदर इसके जो कि डोर हैंडल मिलते हैं। ओवरऑल अगर इसके शीशे हैं जो कि विंडोज साइड वाले इसके अंदर देखें तो इसके आउटलाइनिंग जो सारी क्रोम की जो कि स्ट्रिप की गई है, तो ये आप इसकी साइड प्रोफाइल भी देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। और इसके अंदर जो कि एक कर्व आ रही है वो ये चेक कर सकते हैं, ये आपको एक कर्व ऊपर मिल रही है और एक यहाँ पे आपको नीचे वाली साइड पर कर्व मिल रही है, जो कि इसकी गाड़ी की साइड प्रोफाइल को बहुत ज़्यादा बेहतर बना है। अगर इसकी साइड प्रोफाइल के अंदर देखें तो यहाँ पे आपको जो कि रूफ व्हील्स का ऑप्शन भी मिल जाता है। इसकी बैक प्रोफाइल के अंदर अगर आएँ तो सबसे पहले हम इसके ऊपर देखें तो यहाँ पे हमें जो कि शार्क पिन एंटीना मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पीछे स्पॉइलर इंस्टॉल किया हुआ मिल जाता है, ये जो कि आपको दोनों वेरियंट के अंदर मिल जाता है। और यहाँ पर इसकी जो कि बैक लाइट इसके अंदर जो कि बैक लैंप इसके अंदर इंस्टॉल किया हुआ मिल जाता है। उसके अलावा अगर इसकी बैक साइड पर देखें तो यहाँ पर आपको जो कि इसकी बैक स्क्रीन के ऊपर वाइपर का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे आपको जो कि हुंडई का लोगो मिल जाता है, और यहाँ पे देख सकते हैं इसकी जो कि बैक लैंप का ऑप्शन मिल जाता है, मतलब बैक लाइट भी इसकी बहुत ज़बरदस्त है। उसके अलावा जो कि फोर व्हील ड्राइव है इसके अंदर आपको जो कि एचट्रैक हाइब्रिड का ऑप्शन मिलता है, और जो कि सिंगल है उसके अंदर सिर्फ यहाँ पे आपको हाइब्रिड लिखा हुआ मिलेगा। उसके अलावा इसके अगर हम रेयर बम्पर की तरफ चलें तो रेयर बम्पर के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक और चीज़ दिखाऊँ तो यहाँ पे आपको पूरे इसके रेयर बम्पर के अंदर रिफ्लेक्टर का ऑप्शन मिलता है। नीचे वाले साइड पर देखें तो अगर आपको देखें यहाँ पे आपको छोटे छोटे ये आपको सेंसर का ऑप्शन भी मिल जाता है, ये आपको टच स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे होंगे। इसके अलावा इसके जो रेयर डिफ्यूजर बम्पर है यहाँ पर भी आपको सिल्वर का जो कि ऑप्शन मिल जाता है, और इसके अलावा यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊँ तो यहाँ पे जिसका बैक कैमरा का ऑप्शन मिल जाता है, और इसकी एक और चीज़ दिखाऊँ क्योंकि फोर व्हील ड्राइव है ये, जिसके अंदर आप देख सकते हैं इसको आप बटन के साथ ओपन कर सकते हो, ये चेक करते हैं ये ऑटोमेटिक है इसके अंदर आपको। और जहाँ तक इसकी बूट स्पेस की बात कर लेते हैं तो बूट स्पेस आपको ये मिल जाती है इसके अंदर, जो कि आपको किट मिलती है जैक की किट मिलती है, और साथ ये देख सकते हैं थोड़ी सी आपको यहाँ स्पेस वगैरह मिल जाती है। तो ये रोड जो कि थर्ड रोड इसको आप आगे की तरफ करके इसकी जो कि स्पेस मजीद जो कि ट्रंक की है वो बढ़ा सकते हैं, और यहाँ पे देखें ये जो कि फर्क है इसके अंदर दूसरा जो कि इसके ट्रंक पे है। इसके डोर्स की बात कर लेते हैं, इसके डोर्स के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके डोर्स के अंदर, और जो दूसरा डोर है जो कि सिंपल फ्रंट व्हील ड्राइवर है इसके अंदर सिर्फ आपको जो ये फीचर मिलेंगे या जो कि इसकी मेमोरी सीट्स का ऑप्शन मिलता है, ये आपको जो कि बेस वेरियंट जिसका उसके अंदर नहीं मिलता। और इसके अलावा जो देख सकते हैं आप यहाँ पे आपको जो कि इसका एक और ऑप्शन है, अगर आप देखें चिल्ड्रन लॉक का ऑप्शन है ये विंडो, और जो चिल्ड्रन जो कि रेयर डोर होते हैं इसके सेकंड वाले, इसके अंदर मतलब आपको लॉक मिलते हैं वो इसके अंदर आपको फ्रंट के अंदर ही मिल जाते हैं। उसके अलावा यहाँ आपको विंडोज़ के कंट्रोल मिल जाते हैं, और यहाँ पर आपको बैक व्यू मिरर के कंट्रोल मिल जाते हैं। और जहाँ तक इसके डोर हैंडल्स की बात कर लेते हैं ये आपको देख सकते हैं सिल्वर के अंदर मिलते हैं, और जहाँ तक इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात कर लेते हैं, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर जो कि आपको देख सकते हैं टोटल LCD मिलती है,
थ्री स्पोक आपको स्टेयरिंग व्हील मिलता है, जिसके अंदर आपको जो कि क्रूज कंट्रोल के ऑप्शन मिलते हैं, कॉल एक्सेप्ट डिक्लाइन के ऑप्शन मिल जाते हैं, और यहाँ पे आपको एयरबैग का ऑप्शन मिलता है। उसके अलावा अगर इसके सेंट्रल यूनिट की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको एक छोटी सी स्क्रीन मिल जाती है, एयर विंड आपको यहाँ पे एक मिल जाती है, और जो कि क्लाइमेट कंट्रोल का और गियर नॉब का सिस्टम है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। क्लाइमेट कंट्रोल का ऑप्शन सारा ऊपर है, यहाँ देख सकते हैं आपको जो कि आप ये देख सकते हैं, आप देख सकते हैं आपको जिस तरह ये PRND आपको जो कि जितने जिस तरह सोनाटा के अंदर आपको ऑप्शन मिलते हैं, इस गाड़ी के अंदर भी आपको ये सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पे हिल डाउन और इसके अंदर इसके 360 व्यू कैमरा और जितने भी स्नो इसके जितने भी सिस्टम है यहाँ पे आप देख सकते हैं, इको स्नो स्पोर्ट्स और उसके अलावा मड सैंड स्मार्ट जितने भी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको USB पोर्ट मिल जाती है, यहाँ पे बोतल होल्डर मिल जाती है, यहाँ पे भी आपको एक बोतल होल्डर का ऑप्शन मिल जाता है। और उसके अलावा अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो यहाँ पे आप इसका आर्मरेस्ट के नीचे स्पेस देख सकते हैं, यहाँ पे आपको स्पेस मिल जाती है, ये पेयर आपको मिल जाता है, इसके अंदर आप कुछ भी रख के इसको निकाल भी सकते हैं। उसके अलावा एक और चीज़ दिखाऊँ आपको, इसका जो कि पैनारोमिक सनरूफ है, पैनारोमिक सनरूफ देख सकते हैं इसका आप, बहुत ज़बरदस्त है। और उसके अलावा अगर इसकी फ्रंट कैबिन की लाइट्स की बात कर लें तो ये रहे इसके फ्रंट कैबिन की लाइट हो गई। उसके अलावा ये इसके जो कि पैनारोमिक सनरूफ का यहाँ पे आपको कंट्रोल मिल जाते हैं, और लाइट भी इसके अंदर, अगर मैं आपको इसके सनशेड्स की दिखा दूँ, सनशेड्स के अंदर इसके अंदर एक छोटी सी मुझे कमी लग रही है कि इसके अंदर लाइट भी हो जाती तो ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि जहाँ गाड़ी की इतनी प्राइस है तो इसके अंदर लाइट होनी चाहिए थी, बल्कि है यहाँ ऊपर है, यहाँ LED दे देते तो ज़्यादा बेहतर है बजाय हैलोजन बल्ब देने के। अगर इसके डैशबोर्ड के अंदर एक और चीज़ मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको, यहाँ पे आपको लाइट का ऑप्शन मिल जाता है, और डैशबोर्ड की क्वालिटी इसकी बहुत ज़बरदस्त है, और यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ पे पूरे जो कि स्टिच किया हुआ मिल जाता है डिज़ाइन, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं आपको जितना भी डिज़ाइन इसका बड़ा खूबसूरत मिलता है। और ये यहाँ पे इसके जो कि ग्लव बॉक्स की स्पेस है ये भी चेक कर सकते हैं। जहाँ तक इसके इंजन की बात करें तो मैं आपको इसके इंजन भी दिखाऊँ, यहाँ पे देख सकते हैं आपको हाइड्रोलिक जो कि मिल जाते हैं इसके अंदर इसके इंजन के, और ये देख सकते हैं आप इसके इंजन की मतलब इस तरह ने एडजस्ट किया हुआ है मतलब काफ़ी खूबसूरती है, और इसके अंदर मेरा ख्याल के थोड़ा हल्का माल लगा है, बाकी ये तो जिस तरह रोड पे चलेगी तो तब इसका सही अंदाज़ा हो पाएगा कि इसके अंदर क्या क्या खामियाँ और क्या क्या होगी। तो ये देख सकते हैं आप इसका इंजन भी, और उसके अलावा यहाँ भी देख सकते हैं आपको टोटल यहाँ पे कवर मिल जाता है जिसकी वजह से मतलब हीट ऊपर नहीं जाती। आज का रिव्यू जिस तरह के मैंने आप लोगों को बताया कि इसके जो कि ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो कि फ्रंट व्हील ड्राइव के अंदर नहीं है, इससे अगला जो कि मैं रिव्यू अपलोड करूंगा वो सिर्फ और सिर्फ फ्रंट व्हील ड्राइव का होगा, उसके अंदर देखिएगा, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।